वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी 7 बेहतरीन मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप सभी को सस्पेंस थ्रिलर फिल्में अगर आपको देखना पसंद करते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फिल्में, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरे के पूरे 7 फिल्में देखने को मिलने वाली हैं, जो कि ये सब फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इन सभी मूवीज़ की लिंक देने वाला इस वीडियो में, और इन सभी फिल्मों के अंदर आपको बेहतरीन की मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, जो कि आपकी दिमाग को घुमा देगी, ये सभी फिल्में तो देख सकते हो, मस्ट वॉच फिल्म होने वाली है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी अमेजिंग एंड मजेदार वीडियो होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को डेफिनेटली वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना आप सभी को। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो डेफिनेट लाइक करिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप सभी को ऑन कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर फिल्म आती है कथनम। तो जी हाँ, 2019 की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म थी, और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों अनुसुईया भारद्वाज, पृथ्वीराज सुकुमारन, अर्जुन सारजा, अश्विन कुमार में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप सभी को बेहतरीन की मिस्ट्री, ड्रामा, थ्रिलर, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन अगर आपको देखना पसंद करते हो, वो भी पॉप लेवल की, तो ये फिल्म आप सभी के लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी दोस्तों। मूवी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर मूवी की आपको इस फिल्म के अंदर जो थ्रिलिंग जो काफी आपको नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलने वाली है, तो देख सकते हो अमेजिंग फिल्म होने वाली है आप सभी के लिए। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी, और इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिली हुई थी। तो जहाँ से अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, जो कि यूट्यूब पर आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जो कि ये फिल्म आपको तेलुगु लैंग्वेज के साथ अभी देखने को मिल जाएगी। हिंदी डब के साथ देखना चाहते हो तो फिलहाल हिंदी डब के साथ तो ये फिल्म अवेलेबल है नहीं, बट तेलुगु के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हो, जो कि आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। नंबर दो पर फिल्म आती है ओटरो। तो जियासु 2021 की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, एक्शन, क्राइम थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों मजनू जोसेफ एंड संती कोलो मैश्री वानी, स्पिन श्रोकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जियासु, अगर आप सभी को दिमाग को घुमा देने वाली बेस्ट लेवल की सस्पेंस अगर आपको देखना पसंद करते हो, वो भी काफ़ी खतरनाक लेवल की मिस्ट्री के साथ, तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन की फिल्म है, जो कि ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से ये फिल्म आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहने वाली है मेरे ख्याल से इस लिस्ट की। तो देख सकते हो आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये फिल्म आपको हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। नंबर तीन पर फिल्म आती यू टर्न। तो जी हाँ, 2018 की बेस्ट या फिर कह सकते हो नेक्स्ट लेवल की मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम ड्रामा फिल्म थी, और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों आदि समंत, अरुत प्रभु एंड राहुल, भूमिका चावला, इस फिल्म के शोकास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप सभी को बेस्ट लेवल की दिमाग को सोचने पर आपको मजबूर कर देगी एक टाइम तक कि इस फिल्म में क्या चल रहा है, तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन की मिस्ट्री, थ्रिलर देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर सुपर नेचुरल थ्रिलर भी देखने को मिलने वाले, जो कि बेस्ट लेवल के इस फिल्म की सीन्स होने वाले इस मूवी के अंदर, तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन की फिल्म होने वाली आप सभी के लिए। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी, और इसके साथ ही ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इस फिल्म का रीमेक काफ़ी सारे भाषाओं के साथ बन चुकी है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि मूवी किस लेवल की हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर हिंदी टाइप के साथ ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। नंबर चार पर फिल्म आती है कवल थुरै उंगल ननबन। तो जी हाँ, 2020 की बेस्ट क्राइम थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सुरेश रवि, रबीना रवि, मिम्मे गोपी, इस फिल्म के शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप सभी को बेहतरीन की मिस्ट्री ड्रामा, एक अलग लेवल की क्राइम ड्रामा अगर आपको देखना पसंद कर दो साथ साउथ की, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म आप सभी के लिए बेहतरीन की फिल्म होने वाली है। जी हाँ, मूवी
मूवी के अंदर आपको काफी कमाल लेवल की क्राइम थ्रिलर देखने को मिलने वाली, जो कि मेरे हिसाब से आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। IMDb रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जो कि नेक्स्ट लेवल की रेटिंग मानी जाती है। और इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक को भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। और ये फिल्म आपको यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिसका जो हिंदी वर्जन का जो टाइटल का नाम रखे पुलिस की आपकी दोस्त है, तो इसी टाइटल के साथ देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर पाँच पर फिल्म आती है जेंटलमैन। तो जी हाँ, साल 2016 की बेस्ट रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म थी। और इस फिल्म के लिए रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों नेचुरल स्टार नानी, नविता थॉमस, सुरभि, श्रीनिवास, वेलाना, किशोर, रोहानी। इस फिल्म के शोकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप सभी को लव स्टोरी के साथ साथ बेहतरीन के रोमांटिक के अलावा बहुत ही बढ़िया क्राइम ड्रामा मिस्ट्री फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते तो ये फिल्म आप सभी के लिए नेक्स्ट लेवल की मूवी रहने वाली है। तो देख सकते हो फिल्म काफ़ी अमेजिंग मूवी है दोस्तों। IMDb रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। और ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि आप सभी के लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी आप सभी के लिए। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। और इस फिल्म की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है जेट सेट गो, तो इसी टाइटल के साथ देख सकते हो, यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। नंबर छः पर फिल्म आती थल्लूमाला। तो जसो साल 2022 की बेस्ट एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों तबीना थॉमस, कल्याणी प्रियदर्शन एंड लूकम। इस फिल्म स्ट्रोकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जसो, अगर आप सभी को बेस्ट लेवल के एक्शन के साथ साथ बहुत ही बढ़िया थ्रिलर ड्रामा अगर आपको देखना पसंद करते हो, हालांकि इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस तो देखने को नहीं मिलती है, बट थ्रिलर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और खासकर इस फिल्म का एक्शन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले, तो देख सकते हो मूवी काफी अच्छी है, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो कि एक बार डेफिनेटली देखनी चाहिए। मूवी की अगर बात कर रेटिंग की तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि नेक्स्ट लेवल की रेटिंग मानी जाती है, और ब्लॉकबस्टर की रेटिंग भी बोल सकते हो इस फिल्म को। और बात करें हिंदी डबिंग की तो ये फिल्म आपको स्ट्रीट फाइटर के टाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। नंबर 7 पर फिल्म आती है कस्टडी। तो जसो साल 2023 में रिलीज होने वाली एक अपकमिंग मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे सोनाका चैतन्य, कीर्ति शेट्टी, अरविंद स्वामी। इस फिल्म के शोकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जसो, अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं है, बट मूवी के ट्रेलर और टीजर के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया मास्टरपीस थ्रिलर एक्शन या फिर बोल सकते हो कि मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलने वाले थी। अगर आप लोग ट्रेलर को भी देखकर आइडिया लगा सकते हो कि मूवी कौन से जॉनर पर बेस है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर लिस्ट के आखिरी लिस्ट पर रखा गया था 12 मई को देखने को मिल जाएगी, जो कि 12 मई की फिल्म को रिलीज की जाएगी सिनेमाघरों में, तो सिनेमाघरों में जाकर वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो यही तक था। आशा करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।